अब वो पता होना चाहिए क्या मेरे अंदर कौन सा लेप है। पाप आत्मा, देव आत्मा, महात्मा कहते हैं, आप कौन सी आत्मा हो? पाप आत्मा हो, देव आत्मा हो, महात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो आप? हाँ पक्का पुण्य आत्मा हो। अभी देखना पड़ेगा ना, कोई भी आम बेचने वाला कहेगा ये बहुत मीठा है, लेकिन चख के देखना पड़ता है ना ये मीठा है कि खट्टा है। अब भाई जी बताओ, पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, महात्मा हो कि पाप आत्मा हो? महान आत्मा हो और देव आत्मा हो। और भाई बताते नहीं, भाई बताओ। हाँ देखो, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, कहो मुझे कोई बीमारी नहीं, तो तुरंत आपको एक्सरे फोटो निकाल के दिखाता है शुगर कितनी है, कौन सी बीमारी दिखाता है आपको। यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा ना, आत्मा के अंदर शरीर के अंदर बीमारी है तो डॉक्टर ठीक करता है। आत्मा की बीमारी कौन ठीक करेगा? पाप आत्मा है तो पुण्य आत्मा कौन बनाएगा उसको? हाँ तो आत्मा के अंदर पाप है, दिखाओ। हाँ जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आए? आप में से कोई एक भी बताओ, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम पुण्य आत्मा, उसका नाम देवात्मा है ना। उसको आग में भी डालो, आग भी जला नहीं सकती है, क्योंकि अंदर पाप ही नहीं है। अब बताओ, पाप आत्मा कौन, पुण्यात्मा कौन, महात्मा कौन, देवात्मा कौन है? एक भी पुण्यात्मा है, एक दिन भी बुरे स्वप्न नहीं आए है ना। शारीरिक क्षमता, मुझे कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर दिखाता है, एक भी बुरे स्वप्न नहीं आता है। अबे और देखना पड़ेगा ना मुझको, बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते, फिर तो स्क्रीन खराब है, चित्र या आते हैं, याद नहीं रहता है, गुस्सा आता है, तो कैसे आया वो, बाहर से आया, अंदर ही है ना। तो फिर अलग अलग बीमारियां, गुस्सा, बुरे विचार आना, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत, कौन कर रहा है? हमने किए हुए अंदर कर्म है, पाप है, वो बाहर आने के सब रास्ते हैं। बाहर आने के बाद एक्सीडेंट हुआ, क्यों एक्सीडेंट हुआ, बीमारी क्यों हुई, ये दुख क्यों आया, किस लिए? भगवान ने ऐसी रचना नहीं रची, भगवान भारत को स्वर्ग बनाया था, देवताएं थे, श्री राम, श्री कृष्ण जैसे देवताएं थे, लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसे देवी देवता देवताओं विकारी बन गए, किसने बनाया? हाँ तो कर्म, रावण भी कहां से आया, रावण रहता है कहीं, कर्म। और कर्म के अंदर भी ज्ञान,